अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट माय ज्वेलरी कलेक्शन। सो मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखाऊंगी। एक साइड पे ये जो बड़े ड्रॉर है, इसमें जो ज्वेलरी है ये मेरी शादियों पे पहन के जाने वाली ज्वेलरी है, और जो ये स्मॉल ड्रॉर्स हैं इसमें जो ज्वेलरी है ये मेरे कैजुअली पहनने वाली ज्वेलरी है। तो अभी मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगी, सारा कुछ डिटेल से दिखाऊँगी। तो ये जो बड़े ड्रॉर्स हैं, ये सेट आता है 4 ड्रॉर्स का, और ये मैंने लिया था 1000, हाँ जी 1000 में। और जो छोटी ड्रॉर्स हैं इसका जो है ये जो आता है 350 to 450, और आई थिंक सो 500 के दरमियान में। तो इसमें आपको 4 ड्रॉर्स मिलती है, और ये ज्वेलरी स्टोर करने के लिए बेस्ट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये ज़रूर परचेज़ करें। तो जो पहला है वो है ये प्यारा सा हैंड पीस, और ये इस तरह पहनते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लगता है, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है। और आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ, यानी जिसमें सिल्वर है उस ड्रेस के साथ पहनो शादियों पे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो आप किसी पार्टीज, कॉलेज में पार्टी होती है तो आप लोग सुकून से पहन के जा सकते हो। नेक्स्ट है वो जो हैंड पीस है वो है 4EVER 21 का, और ये जो नेक्स्ट है ये है रेड कलर की झुमकियाँ। आपको भी पता ही, झुमकियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। ये झुमके झुमकियाँ कह लें, झुमके कह लें, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टच देते हैं। और ये भी मैंने अपनी लोकल मार्केट से लिए थे। नेक्स्ट है मेरे पास ये बहुत सिल्वर एंड गोल्डनी एयरिंग्स, सिल्वर एंड सॉरी सिल्वर एंड ग्रीन एयरिंग्स, ये भी 4EVER 21 के हैं। नेक्स्ट मेरे पास ये हूप्स एयरिंग है, तो ये जो है ये मैंने अपनी सिस्टर के वलीमे पे पहने थे, और क्योंकि वलीमा तो आपको पता है इतना ज़्यादा हल्ले गुल्ले वाला नहीं होता, तो इसलिए मैंने उस पर ये पहने थे। तो नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास ये सिल्वर कलर की झुमकियाँ। ये एवरीडे वेयर के लिए बेस्ट हैं, जो गर्ल्स कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, उनके लिए ये मस्ट हैं। तो ये हो गई झुमकियाँ। नेक्स्ट है मेरे पास ये सिल्वर कलर के लीव शेप एयरिंग्स, तो ये हो गए लव लीव्स जैसे होते हैं ये, वैसे हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो एयरिंग्स है जो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, ये जो है ये मुझे एक फेसबुक पेज है, विश लिस्ट आई थिंक सो, उन्होंने ये सेंड किए थे, और इसकी प्राइस इसलिए मुझे नहीं पता। नेक्स्ट मेरे पास ये एयरिंग्स हैं, ये भी 4EVER 21 के हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे एयरिंग्स हैं। इसमें 3 कलर आते हैं, मतलब आप कोई से भी कलर, इन तीनों कलर में से अगर आपके पास कोई भी सूट है तो आप ड्रेस है तो आप उसके साथ इजीली कैरी कर सकते हो इनको, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये फर्स्ट ड्रॉअर वो है जिसमें वो चीज़ें हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, और ऑलमोस्ट वो नहीं है। सेकंड ड्रॉअर में जो है वो रैंडम चीज़ें हैं, जैसे रिंग्स हो गई, और उसके बाद कुछ एयरिंग्स हो गए, तो इसमें बस मैंने रिंग्स रखी हुई। अब मैं ज़्यादातर रिंग्स शौक से नहीं पहनती, लेकिन इसमें है ये सारी रिंग्स, तो मैं आपको ये वाली रिंग पहन के दिखाती हूँ। इन रिंग्स का भी बहुत ज़्यादा फैशन था, तो ये हो गई रिंग्स। इस ड्रॉअर में सारी रैंडम सी चीज़ें हैं, रिंग्स हो गई, बस रिंग्स ही हैं ज़्यादातर। और थर्ड ड्रॉअर में है जो मैंने, ये देखे थर्ड ड्रॉअर में मैंने पार्टीशन की हुई है, क्योंकि फिर ये होता है कि अगर पार्टीशन नहीं करो तो वो चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाती हैं। तो एक साइड पे मेरे टॉप्स हैं और दूसरे साइड पे मेरे एयर रिंग्स हैं, तो टॉप्स वो हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, तो वो मिक्स हो जाते हैं। तो ये है मेरे एयरिंग्स, और मुख्तलिफ तरह के एयरिंग्स हैं, और हर लड़की के पास ज्वेलरी जो होना बहुत ज़रूरी है, और हर लड़की के पास ज्वेलरी होती है। तो ये वाला जो एयरिंग्स हैं ये मेरे बेस्ट, मुझे मेरे लिए बेस्ट हैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो 4 ड्रॉअर एंड लास्ट ड्रॉअर है उसमें भी रैंडम से स्टफ़ हैं, रैंडम से ज्वेलरी है, मतलब हूप्स एयरिंग्स हो गए। और ये जो है छोटी सी डब्बी, इसमें जो है मैंने इस छोटे से बॉक्स में मैंने ये जो एयरिंग्स हैं ये मैंने चेज़अप से लिए थे, और ये मुझे एक पैक मिला था, और इन मतलब मुख्तलिफ कलर से, और इस पर चेरी सी बनी हुई है, तो ये वाले मैंने इधर रखे ताकि वो मिक्स ना हो। ये एक बिंदिया हो गई, और बाकी भी छोटे छोटे से टॉप्स वगैरह हैं। तो ये हुआ हमारा छोटी ड्रॉअर का सेट कंप्लीट। अब हम आते हैं बड़े ड्रॉअर की तरफ। तो बड़े ड्रॉअर में वो ज्वेलरी है जो मैं शादियों पे पहनती हूँ। तो पहले जो है वो है ये 2 रिंग्स, नेक्स्ट आते हैं एयरिंग्स एंड अफगानी माथा पट्टी। तो इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 5000 है,
इस पूरे सेट की प्राइस, और 3,000 के सिर्फ मुझे ये माथा पट्टी मिली थी। और ये हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास ये जो है ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी पे लिए थे, और ये मैंने ये है मेरे पास बिंदिया, और ये मैंने मुझे पड़े थे तकरीबन, ये भी तकरीबन 4,000 में थे तकरीबन इस तरह करके। और ये हो गए इयररिंग्स उसके साथ के। ये हैं मेरे पास दो कड़े, आर्टिफिशियल कड़े। और नेक्स्ट है मेरे पास ये है लेपल पिंस, ये हमने 7 डो क्रिएशन है उनसे बनवाई थी अपने भाइयों के उस पे टू पीस पे लगाने के लिए। मैंने आप लोगों को पहले हूप सेयरिंग दिखाए थे जो मैंने अपनी बहन के वलीमे पे पहने थे, ये उसके साथ का सेट है। इसकी सबसे मज़े की बात ये है कि आप इस सेट को जितना चाहे, ये जो डायमंड सा लगा हुआ है तो इसको जितना सा चाहे अपनी नेक के करीब कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये हैंड पीस, ये तकरीबन है 2,500 इस तरह करके। नेक्स्ट है मेरे पास ये बहुत बड़ा सारा नेकलेस, ये मैंने अपने निकाह पे पहना था आर्टिफिशियल। और ये है मेरे पास टेसल इयररिंग्स, देन मेरे पास ये कुछ बैंगल्स हैं, और ये है मेरे पास, ये है मेरी बहन का, ये जब मेरी बहन का ये मुझसे 3 दफ़ा सेट गिरा है नीचे, और ये है मेरी सिस्टर का निकाह का सेट, और ये भी आर्टिफिशियल है क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है और पहनी हुई, क्योंकि उसमें कलर आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट ये भी बैंगल्स हैं। ये जो ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये मेरे निकाह के सेट के साथ के इयररिंग्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। और ये है उसकी माथा पट्टी, इसकी माथा पट्टी जो है वो मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि बहुत ज़्यादा लगी हुई, बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ये है माथा पट्टी, ये थी मेरी ज्वेलरी कलेक्शन। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।